हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसारम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेन गेट कैसे लगाएं। तो ऐसे भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, तो शायद उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें मैं आपको यूनिक टाइप का, यानी बिना पाइप लेवल से ही आपको मेन गेट लगा के दिखाऊंगा कि अगर पाइप लेवल ना हो भी तो हम लोग गेट को पाइप लेवल में कैसे लगाएं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। दोस्तों, अभी तक जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैं गेट को खड़ा कर चुका हूँ। आप पूरा गेट को देख लीजिए, मैं गेट को पूरा खड़ा कर चुका हूँ। तो ऐसे इस पार से उस पार से आपको बांस लगा देना है, बल्ली, जो बल्ली भी कहा जाता है बांस। और ये उल्टा फेस से मैं इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, तो इसमें भी बता दूंगा। उल्टा फेस से मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप इस बीच का गेट को देखिए। मैं हमेशा हर वीडियो में समझा रहा हूँ, आप नीचे से लेकर ऊपर से आप देखिए हर वीडियो में। मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ इसी गैप के बारे में, ताकि गैप जो आप देख पा रहे हैं तो दो झुकने के बाद दोनों पल्ला सटे नहीं, इसलिए मैं इस गैप को जो है मैक्सिमम जो है 10 mm गैप रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 mm गेट रखना चाहिए। इससे 12 गेट हो तो 12 mm 100% रखना है। ठीक है, अब देखिए, मैं आप लोगों को कहा कि बिना पाइप लेवल होते हुए गेट को कैसे पाइप लेवल में लगाएं। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा गेट को भी मैं खड़ा कर चुका हूँ, तो बिना पाइप लेवल से गेट को पाइप लेवल कैसे करें। तो मैं एक पल्ला को पहले खड़ा करता हूँ। ठीक है, करने के बाद अब देखिए जितना हाइट पर उठाना है, आप देख लीजिए जितना हाइट पर उठाना है, एक तरफ जो है ईंट आपको लगा देना है, ईंट या कोई भी चीज़। ठीक है, लगाने के बाद दोनों तरफ लगाना, एक पल्ला को खड़ा करने के बाद आपको करना क्या है, इधर से सावल कर लेना है। आप देखिए, अगर ये सावल साइड सावल कर लेते हैं तो आपका पल्ला जो है पूरा पाइप लेवल में हो जाता है। ठीक है, तो ये सावल करने के बाद ये पल्ला जब पाइप लेवल में हो जाता है तो दूसरा पल्ला उसके ही सेंटर पर लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो ऐसे इधर भी आप लोगों को सावल कर लेना है, एक सूता के लिए जैसे सावल करते हैं आप किनाई वगैरह में, ऐसे ही सावल दोनों साइड कर लेना। देखिए, दोनों साइड जब सावल करते हैं, करने के बाद ये आप देख रहे हैं बीम को, देखिए लेवल में नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ईंट लगाने के बाद भी हाफ इंच जो है हाइट की है फट्टी देकर, बांस का फट्टी का। और इधर देखिए, एक ईंट लगाने के बाद उसको हमको एक इंच काटना पड़ा, क्योंकि बीम मेरा लेवल में नहीं है। तो इसलिए मैं सावल करके जब देखा, देखने के बाद पता चला कि जैसे कि सावल हो गया, अगर देखिए अगर हम लोग वहाँ एक इंच काट के अगर बैठाएंगे तो पल्ला बैठ जाएगा, पल्ला जब बैठ जाएगा तो यहाँ मेरा जो है कुंडी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस कुंडी को लगाने के लिए पल्ला मेरा ऐसे हो जाता, ऐसे होगा तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ साउल नहीं होगा। वहाँ जो है जैसे हम लोग अगर साउल करेंगे, जैसे हम लोग साउल करेंगे तो क्या होगा कि ऐसे ये झुकने के बाद क्या होगा, ये इतना क्लियर हो जाएगा। तो यानी इसको साउल करने के लिए इस पल्ला को हमको उठाना पड़ता था, वैसे उसी हिसाब से हम लोग क्या किए, पल्ला को उठा दिए। और यहाँ हम लोग देखिए यहाँ मैं आपको दिखाया कि यहाँ गैप, यहाँ जो है 8 mm, तो यहाँ 12 mm का गैप रखना है, ताकि कितनों भी झुक जाए तो है 10 mm का लगभग आ ही जाएगा। और इसको लगा के देख लेना फाइनली, ठीक है, ये खुल रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखिएगा। और यहाँ जो है माथी बराबर हुआ है कि नहीं, ये चीज़ मेन देखना है। देखने के बाद जो है फाइनली आपको गेट लगा देना है। तो जैसे मैं बता दिया कि पाइप लेवल करने के लिए दो साइड अगर सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पाइप लेवल हो जाएगा। और दूसरी बात, अब हम लोग ऐसे जो है गेट को यहाँ से इस माथी से लेकर इस माथी तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने का सॉल्व में हो जाएगा, आपका गेट फाइनली लग जाएगा। तो दोस्तों, बस यही प्रोसेस है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।